जी हैं जगत सिंह मंडाल जी, और काफी टाइम से हम इनको देख रहे हैं घर में। इनके फैमिली जो है दिल्ली में सेटलमेंट हुई है और इनके बच्चे भी हैं, और उनने अपना अच्छा घर बना दिया यहाँ पे। गांव में भी सबसे शानदार मकान बना रखा है, और हमको ये है कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चाचा जी घर में आए। मैं यहाँ पे दो दिन बाद आया, वीडियो के रिकॉर्डिंग पे मुझे चाचा जी मिले नहीं, और आज बड़ी भाग्यशाली की बात है, आज चाचा जी मेरे को घर पे ही मिल गए। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन करवाना चाहता हूँ चाचा जी की। अभी बीच में स्वास्थ्य खराब था, उनके पैरों में दर्द था, और हम आए यहाँ, चाचा मिले नहीं। तो चाचा जी अपने बारे में बताइएगा, अब आपकी तबीयत कैसी है? और मेरी तबीयत ठीक है, और दवाई खा रहा हूँ मैं, और मैं क्या कहते हैं, परसों हमारे 5 तारीख को यहाँ जगराता था। अच्छा, 8 तारीख को जगराता भी किया है, सब आए थे, बच्चे लोग आए थे, सब घर में आए थे, जगराता करके फिर उसके बाद चले गए अपने नौकरियों पर। ठीक है, ठीक है। और भी ठीक होगा स्वास्थ्य आपका? अब मेरे स्वास्थ्य आधा ठीक है, मतलब अब कुछ झंझला नहीं है, बहुत तो अब बुढ़ापे में जो है, लेकिन जो यहाँ पर इतनी बहुत ज्यादा खराब था वो उसमें से आधा ठीक है। चलो ठीक है, हाँ आधा भी और बाकी दवाई खा रहा हूँ। जब कभी हम आते हैं चाचा जी, तो हम तो छोटे थे, 4-5 साल के बच्चे थे हम, जब आप दादी और दादा के साथ आते थे। चाचा जी जॉब करते थे दिल्ली में, और एक अच्छी कंपनी में थे ये भी, लेकिन अभी इनको 25-26 साल से तकरीबन आप घर में है ना, 25-26 साल से चाचा जी घर में रहते हैं। तो हम जब आते थे यहाँ पे खेलने कूदने के लिए अपने दादा दादी के साथ, तो इनका घर था यहाँ पे लेंटर वाला, ये डेकोरेशन नहीं थी मकान की बिल्कुल भी नहीं, सैलेट वाला था ये मकान बिल्कुल, और प्लास्टर हुआ था आगे। लेकिन आज के टाइम में मतलब भाइयों के और चाचा जी के लड़कों के सहयोग से ये मकान बहुत अच्छा लगता है। उधर से आप देखेंगे तो बहुत शानदार क्लासिक मकान तो वही है, मतलब पुराना ही है ये। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इसमें जो है इसको रिपेयरिंग करके इसका जो है डिजाइन बना दी। हाँ, डिजाइन बना दी, पेंटिंग पेंटिंग होगी इसकी, अभी तो वही है वो। हाँ, पुराने कमरे हैं नीचे सारे वही। अच्छा, नीचे के पुराने, वो ऊपर के भी पुराने, वो जो कमरे थे वो तोड़ के उसको फैंसी टाइप बना रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। 4 कमरे पहले भी थे, 4, 2 नीचे 2 ऊपर, 4 अभी भी है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है चाची। तो इसको तो हमारे बनाए हुए तो कम से कम 32-33 साल हो गए। हाँ, ये कोई आज का तो बना हुआ नहीं है, पहले वाला मकान तो आपके नीचे, क्योंकि ये सारे इसके, ये जो बाउंड्री के ये पत्थर है, ये इसकी गवाही है सारी। हाँ, ये गवाही है, ये जो खोई बोलते हैं इसको, ये बहुत पुरानी खोई है। आज पहले के टाइम में मिस्त्री भी कैसे होते थे, देखो उसके अंदर सुई तक नहीं घुस सकती है, उसकी चिनाई से ही लग रहा है। अरे ये तो बहुत मजबूत मकान था, अभी इन्होंने कच्चा बना दिया है, इसको कच्चा कर दिया है, अरे बीच में ईंटें छोड़ दी है, और पक्की दीवारें जो है वो तोड़ करके बीच में ईंटें डाल दी, तो ईंटें है मिट्टी है वो पक्की दीवार है, वो तो असली कारीगरों, पुराने कारीगरों के ऊपर परसों के ओर आए थे बनाने के लिए इसको, वो बड़े बड़े पत्थर निकाल दिया और उसमें ईंटें डाली। तो पुराने बाहर से देख लेने क्या होता है, अगर अगर 80 साल की बुढ़िया को मेकअप कर दे, पाउडर क्रीम लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, तो वो 15 साल की हो जाएगी? नहीं होगी, तो बस फिर बुढ़िया तो बुढ़िया ही रहेगी। बिल्कुल सही बोला आपने।